भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। हम आपके हैं कौन, इस तरह के क्रिएटिव्स के साथ अभी तक कांग्रेस केंद्र सरकार से लेकर अडानी तक और प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रही है। अब इस सिलसिले में कल राहुल गांधी ने सदन के अंदर एक सवाल, एक स्टेटमेंट या फिर एक पॉलिटिकल कनेक्शन वो उठाते हुए कुछ कहा। कहा ये कि अडानी के पॉलिटिकल कनेक्शन बोरिस जॉनसन, वो बोरिस जॉनसन जो पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, अब नहीं है, उनके भाई अडानी के लिए काम करते हैं। अब जैसे ही ये सवाल आया तो सबके दिमाग में एक चीज आ गई कि भाई ये कौन है जो अडानी के साथ काम कर रहे हैं। अडानी, वही अडानी और वही बोरिस जॉनसन जो दोनों साथ घूम रहे थे। तो इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई कि अडानी बोरिस जॉनसन के भी साथ थे। तो ऐसे में अब ये जानते हैं कि आखिर बोरिस जॉनसन के वो भाई कौन है जो अडानी के लिए काम कर रहे हैं या कर रहे थे, और क्या काम कर रहे थे, चलिए असद बताएगा आपको। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई का नाम है लॉर्ड जॉर्ज जॉनसन। वो ब्रिटेन के इलारा कैपिटल्स पीएलसी में डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे थे। ये इन्वेस्टमेंट फर्म अडानी एंटरप्राइजेस से जुड़ी हुई थी। जॉन ने इस कंपनी को पिछले साल जून में ज्वाइन किया था, और जिस दिन अडानी ने अपना एफपीओ वापस लिया उस दिन उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि इलारा खुद को इंडियन कॉर्पोरेट्स के लिए फंड जुटाने वाली कंपनी बताती है। हालांकि जॉर्ज जॉनसन ने कंपनी की वैल्यू में गिरावट को अपने इस्तीफे की वजह नहीं बताया। उन्होंने लिखा था कि कंपनी ने उन्हें लगातार भरोसा दिया था, लेकिन इस मामले में उनकी स्पेशलिटी नहीं थी, इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि खबरों में ये भी बताया गया है कि हिंडनबर्ग, वही हिंडनबर्ग जिसने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए थे, उसी ने इलारा ग्रुप पर भी आरोप लगाए हैं। खबरें ये चल रही हैं कि इलारा ग्रुप ने अडानी ग्रुप्स के शेयरों में हेरफेर में मदद की थी। हालांकि जिस तरह से अडानी ने इन आरोपों का खंडन किया, उसी तरह से इलारा ग्रुप ने भी इन आरोपों का खंडन किया। अब इलारा ग्रुप आगे इसमें कितनी मुसीबत में फंस सकता है, ये तो हमें वक्त बताएगा और हम आपको बताएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।